हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल। हम ना आज खेलने वाले हैं हाई स्कूल चीटिंग। इस गेम में ना हमें पास होनी है, बट पता है कैसे पास होनी है? हमें चीट करके पास होनी है। तो ये गेम ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अभी हम इस गेम को प्ले करते हैं। अभी हमारा जो क्विज वन होगा, इसमें देख, अब इसमें ना बहुत सारे क्विज हैं, 10 क्विज है। तो अभी हम क्विज वन स्टार्ट करते हैं। गेट एटलीस्ट बी ग्रेड टू पास द क्विज। हमें ना इस क्विज को पास करने के लिए एटलीस्ट बी ग्रेड तो लाना ही होगा, जो कि हम देखते हैं, ट्राई करते हैं आ जाता है कि नहीं। और ये देखो, ये जो बैठा था ना, जो वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो मैं हूँ। और मुझे ना इन सब के पास जाके चीट करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने एक पेज, और ये देखो आज ना आर्ट्स का क्विज है। एक पेज हमने इसे चीट कर लिया, और ये दूसरा पेज भी, और ये दो पेज भी हो हमने लिख लिया, बट ना इसके पास वो मैप देख ली। भाई ये क्या मतलब, हमने दो पेज चीट किया और मैप नहीं देखी, ये कैसे हो सकता है? अभी ना हमने दो पेज कर लिया, तो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पे। और ये क्या है, हम ना शायद इससे फास्ट चीट कर सकते हैं। एक पेज और हमारा हो गया, और ये दूसरा पेज हो रहा है। बट मैम को देखो यार, वो राउंडिंग कर रही है बट हमें नहीं देख रही। और ये देखो, हम ना ये टेस्ट पास हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। यार एक ऐसी मैम है जो हमें देख ही नहीं पा रही। बट कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव रीच्ड द नेक्स्ट लेवल। अभी हम नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, देखते हैं उसमें जो मैम है ना वो हमें पकड़ पाती हैं। इसमें भी हमें ना गेट बी ग्रेड लेके आना है एटलीस्ट पास होने के लिए। और ये देखो, ये ना हमारा मैथ का जो है वो क्विज है। ये हमने एक पेज लिख लिया, बट सीटिंग अरेंजमेंट कितना दूर दूर है भाई। इस बार ये दो पेज हो गया, बट मैम नहीं देख रही। और ये देखो, मैम को लग गया है कोई चीट कर रहा है। तीन पेज वो भाई बच गए, बट मैम दूर थी, हम ऐसे भी बच जाते। अभी हम यहाँ चलते हैं, हम आगे चलते हैं, वहां हम छिप सकते हैं। एक पेज हमने इससे चीट कर लिया, और ये दूसरा पेज, ये दो पेज हो गया, और मैम को ना पता चल गया है। और ये देखो, तीन पेज, और ना हम जीत चुके हैं A+ ग्रेड के साथ। अभी हम नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट क्विज है ना, हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें ना बी ग्रेड लेके आना है, बट देखते हैं आज किसका क्विज है, और ना सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हुआ है, दूर दूर बस ना हो। और ये देखो, इसमें ना जो मैम नहीं टीचर हैं, भाई इनके बारे में तो हमें पता नहीं है ज्यादा, बट ये स्ट्रिक्ट ना हो। और लग भी नहीं रहा कि ये स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि हमने ये दूसरा पेज जो है ना वो लिख लिया, बट इन्हें पता नहीं चला। अभी ना हम, अभी उन्हें पता चल गया है, तो हम ना इस बार उस अपने जो बगल में बैठा है लड़का, उसमें हम चीट करेंगे। ये देख रहे हो हम कैसे आगे बैठे हैं, और उन्हें पता नहीं चल रहा कि हम चीट कर रहे हैं। अभी हम एक पेज, और ये दूसरा पेज भी हम लिख लिए, अभी तक उन्हें पता नहीं चला। और ये लो, तीन पेज तो हमने उससे लिख लिया, अभी हमें एक पेज और बस लिखनी है। और हम एक ग्रेड, अभी हम तो पास हो चुके हैं, बी ग्रेड हमारा आ चुका है, बट हमें एक पेज और लिखना है। अभी हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। और ये लो, हम ना ये भी क्विज जो है वो पास हो चुके हैं। अभी हम ना नेक्स्ट क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें ना गेट एटलीस्ट बी ग्रेड लेके आना ही है पास क्विज करने के लिए। और ये देखो भाई, इस बार कैसे सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, हम पीछे और चार आगे। एक पेज हमने लिख लिया, और ये दो पेज, अभी ना ये इससे हमने पूरा चीट कर लिया, इसने जितना लिखा था उससे हमने चीट कर लिया। अभी सर भी देख रहे हैं, तो अभी हम आगे चलेंगे जब सर ना राउंडिंग करेंगे तो। बट ना ये वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही सही है। मतलब ऐसा तो होता नहीं है हमारे रियल लाइफ में कि ऐसे चीट करो और कोई टीचर जो है ना वो ना पकड़ पाए। अगर ऐसा होता ना तो बहुत मजा आता, हम खुद ही जो है ना क्या बताएं आपसे, छोड़ो। और ये देखो, वो भाई बच गए, मैं सर को पता नहीं चला। अभी हम ना यहाँ चलते हैं, कुछ तो लिखा होगा इस बंदे ने। एक पेज हमने लिख लिया, दो पेज,
अभी ना हम नेक्स्ट क्विज खेलते हैं और देखते हैं वो क्विज कैसा हो रहा है, कितना हार्ड हो रहा है। अभी तक ना इजी क्विज है, बट आगे देखते हैं ये और कौन होता है भाई, टीचर होती है, मैम होती है, वो हमें पकड़ पाती है कि नहीं। हमें एटलीस्ट इसमें भी बी ग्रेड ही लेके आना है, ये भी सेम ही है, बट देखते हैं आगे। इस बार ना सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है, आगे पीछे हुआ है, ये सही है। ये मैम के पास ना दिल है भाई अच्छा, वो चाहती है कि हम पास हो जाएं। अभी ना हम 2x के पास चलेंगे, जिससे कि हमारी जो स्पीड है ना वो 2x हो जाएगी। और ये क्या भाई, उसका जो 2x है वो खत्म हो गया, बट कोई नहीं, हम वहीं चलेंगे। बस मैम की नजर हटे यहाँ से ना, हम चलें। और ये क्या 2x, वो यहाँ है, हम यहाँ चलते हैं। अभी हमें बहुत ही ज्यादा ही लिखनी है, नो 2x है, बट कोई दिक्कत नहीं है और मैम को पता चल गया, तो अभी हम चलते हैं। और इस बार ना हम आगे वाले जो राइट साइड में जो बंदा है, जो क्विज 5 लिखा ना, उसके सामने बैठा है, हम वहाँ चलेंगे। और वहाँ भी 2x है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये लो, हम ना ये क्विज जो है वो पास कर चुके हैं, ये ग्रेड से हमने ये क्विज जो है वो पास कर लिया है। अभी ना हम नेक्स्ट क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें भी ना एटलीस्ट बी ग्रेड ही लेके आना है, तो ये बी ग्रेड तो आसानी से आ जाएगा। हमारा जो ना मेन मिशन है वो A+ ग्रेड लेके आना है। और इस बार हमें आगे बैठाया गया है, बट देखो मैं आगे से उठ के पीछे आ गया, बट मैम को पता नहीं चला। अगर ये रियल में होता ना, पता है क्या होता, अगर रियल में होता तो मैम ना 20 नंबर काट। अभी हम चलते हैं, मैम को पता चल जाएगा। 20 नंबर ना हमारा मैम जो है काट लेती है, तो कन्फर्म है। शायद ना मैम ब्लैक ड्रेस पहनी है, तो हमें ना वो हमें देख नहीं पा रही है, शायद ऐसा ही है। बट ये मैम ब्लैक ड्रेस पहनी है, और कोई तो नहीं पहना था ना। अभी हम यहाँ चलते हैं और यहाँ हम छिप सकते हैं, यहाँ कोई भी डरने की बात नहीं है। ये देखो मैम को पता ही नहीं चलेगा। अभी हम ना यहाँ चलते हैं, यहाँ से चीट करते हैं। और ये देखो हमने कैसे, मतलब एक बार भी मैम को पता भी नहीं चल रहा है, हम कितने अच्छे से चीट कर ले रहे हैं। एक पेज मैंने इससे लिख लिया, और ये देखो रे मैम, ओ भाई बच गए एकदम। मैम देख ही ली थी, जो ये रेड लाइन था ना वो हमारे पास ही था। एटलीस्ट तो एक ग्रेड तो आ जाना चाहिए, एक ग्रेड भी नहीं आ पाया, बट कोई नहीं, हम तो पास हो चुके हैं ना। इसमें भी हमें ना बी ग्रेड लेके आना है पास होने के लिए। अभी हम यहाँ पीछे हैं, अभी हम यहाँ चलते हैं। और ये कौन खड़ूस सर है भाई, पेपर पेपर मतलब बच्चे दे रहे हैं और ये फोन चला रहा है। और आज देखो, आज बोटनी का जो हमारा पेपर है भाई, बच गए। मैंने ना रिस्क लिया था इस बार जानबूझ के, देखते हैं कि वो हमें देख पा रहा है कि नहीं, बट वो नहीं देख पाए। अभी हम ना आगे चलते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी कहो ये ना अलग ही मास्टर हैं, इनकी दुनिया ही अलग है। ओ भाई फिर से, मतलब पूरा रिस्क के साथ हम खेल रहे हैं और हम बच जा रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और लगता नहीं कि अगर हम इस बार पास हो पाएंगे, बट देखते हैं। बस हम एक पेज लिख लेना तो हम बी ग्रेड तो कम से कम पा ही लेंगे। और ये लो हम बी ग्रेड पा लिए और पास हो गए। तो अभी ना हम नेक्स्ट लेवल जो है उसे फिर से स्टार्ट करते हैं। मम्मी आ गई जाए।
आज ना ज्योग्राफी का जो है वो क्विज है, थोड़ा ना हम लेट से चलते हैं। हमने एक पेज तो इससे लिख लिया बट सर को पता चल गया है। और ये लो भाई, दूसरा पेज कंप्लीट करने के बाद हम गए, फिर भी सर ना हमें नहीं देख पाए। सर ओ भाई, मतलब ऐसा कैसे मास्टर हो सकता है कि हम चीट करें और वो हमें पकड़ ना पाए। और ये लो, ये जो मास्टर है ना पहली बार हमें पकड़ लिए हैं, तो अभी हम फिर से इसे रिट्राई करते हैं और इस बार हम पास हो जाएंगे। बट ये जो स्कूल है ना वो देखने में अच्छा लग रहा। हमने इसे दो पेज तो लिख लिया है और ये तीसरा पेज है और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी ना हम आगे चलेंगे, वहां हम छिप के लिख सकते हैं। ओ भाई सर कैसे देख रहे हैं भाई, पूरा मतलब चारों साइड देख रहे हैं और हमारा बहुत टाइम लॉस हो चुका अभी तक। अभी हमें बहुत ज़्यादा ही लिखना है। यहाँ ना हमें पावर जो है हमारी 2x हो जाती है, मतलब हमारी स्पीड जो है ना बहुत फास्ट हो जाती है, तो हम यहीं लिखेंगे। अभी सर को पता चल गया है बट देखते हैं। ओ भाई सर को पता चल गया, मैंने सोचा कि तीसरा पेज अपना लिख के फिर चलता हूँ, क्योंकि मैंने ना एक बार किया था कि मैं तीसरा पेज लिखने के बाद गया था और मैं बच गया था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। गेट इट, इसमें भी हमें ना बिग क्विज चाहिए। अभी हम यहाँ से चीट करते हैं बस सर ना देखें। एक पेज मैंने कंप्लीट कर लिया और ये दूसरा पेज भी कंप्लीट होने वाला है। दो पेज कंप्लीट हो गया, अभी तक सर को पता नहीं चला। और ये तीन पेज बहुत है यहाँ से। ओ भाई और ओ भाई मैं कैसे पीछे आ गया, बट कुछ भी है ना ये गेम बहुत ही मस्त है। अभी सर को पता चल गया है तो ओ भाई बच गए। अभी ना लग नहीं रहा कि इस बार भी हम क्यूज जो पास कर पाएंगे, बट ऐसा यहाँ आते हैं यहाँ पे। और ये लो हमने बी क्विज लिख लिया। और ये देखो यार, हमें लगा था ना कि हम जितना लिख लेंगे उतना लिख लेंगे और सर हमें पकड़ लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये लो हमने ना एक ग्रेड के साथ इसे पास आउट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट खेलते हैं। हमें ना अपने 9th क्विज में बी ग्रेड ही लेके आना है। अभी हमारा पेपर जो स्टार्ट हो चुका है। और एक आपसे बात बोलूं, अगर ऐसे टीचर हो ना कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। भाई कितना ज़्यादा ही लिखना पड़ रहा है मुझे। हमने एक पेज लिख लिया और सर को पता चल गया है, बट बच जाए। यहाँ चलते हैं। दो पेज हो गया हमारा और ये तीन पेज, एक पेज और इससे लिख लें, बहुत है एक पेज, चार पेज बहुत है। अब यहाँ आते हैं, पांच पेज हो गया। हम ना काउंट करते हैं कितने पेज में हम बी ग्रेड पास करते हैं। 6 पेज हो गया यहाँ से और पहले चलते हैं, बैठ जाते हैं, सर को पता चल गया है। और ये 7 पेज, भाई नहीं हो पाया यार। देखते हैं क्या होता है। एक पेज यहां से लिखते हैं और चलते हैं आगे।
वो भाई बच गए। मैं रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहता था क्योंकि हमें बी ग्रेड तो हम आसानी से ला देंगे अभी। और ये लो हम बी ग्रेड ला देंगे बिल्कुल अच्छे से। ओ भाई बस बस बच गए बच गए। ओ बच गए, मुझे लगा था ना सर इस बार हमें पकड़ लेंगे। और ये लो बी ग्रेड से हमने ना ए ग्रेड से हमने ये जो क्विज है वो भी पास कर लिया। अभी ना हम नेक्स्ट क्विज खेलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्विज है, और हम इसमें पास हो जाएंगे ना तो पूरा पूरे स्कूल में टॉप करेंगे हम। अभी हमें ना एटलीस्ट बी ग्रेड को लेके आना ये पास होने के लिए, और हम इस बार अगर बी ग्रेड लाते हैं तो हम स्कूल में टॉप कर देंगे क्योंकि हमने सारे एग्जाम अच्छे से चीटिंग करके दिए हैं, सारे बच्चों से सबसे मिक्सअप है तो हमारा रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएगा। तो अभी हम इसे भी मतलब ये वाला भी ग्रेड कंप्लीट करते हैं और टॉप करते हैं और स्कूल में ना अपना आप समझ सकते हो। अभी हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से चीट करते हैं, देखते हैं कितना पेज यहाँ से हम लिख लेते हैं। दो पेज यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम यहाँ चलते हैं, अभी वो ना देख लिए, अभी हम बैठ जाते हैं। अभी हम यहाँ चलते हैं। और ये लो सर को पता भी नहीं चला क्योंकि हम यहाँ चीट कर रहे हैं। ओ भाई बच गए यार, मुझे लगा ना हम गए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अच्छे से पास हो सकते हैं। बस हमें एक पेज और लिखना है। और ये लो हमने ना बी ग्रेड के साथ अपना जो क्विज है उसे पास आउट कर लिया है, और ना हम सारे क्विज में पास हो चुके हैं। तो अभी ना वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए गेम प्ले में।